जी हम फिर से वापस आ गए हैं क्योंकि मेरी इस गलती की वजह से हमें वापस आना ही पड़ रहा था। हम इसलिए वापस आए हैं कि हम खैर से अपने घर अपना पर्स भूल गए हैं। और अब ये शरबत हमारा आ गया जी, कहूँगा मजेदार। वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम, सब खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज जी हमने जाना है 14 अगस्त की मार्केट, कुछ बच्चों के लिए सामान, फ्लैग्स वगैरह, और सेकेंडली मेरे मोबाइल के कवर्स और स्क्रीन प्रोटेक्टर ख़राब हो चुके हैं जो हमने जाके मोबाइल मार्केट से परचेज करने हैं। आजाद तो क्यों शर्मा रहा है भाई? शर्मा रहा है, चलो चलो आजान साहब चलें, ये मोबाइल पकड़ो आप। चल 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 चल, आज का हमारा व्लॉग है जी बच्चों की टीटू पार्टी और क्या है, और मोबाइल कवर और अच्छा ठीक है प्रोटेक्टर्स लेने। इससे पहले कि मिनसा में देख ले, हम निकले यहाँ से भागे। अजान और मैं जा रहे हैं शहीन मार्केट 14 अगस्त के फ्लैग और बच्चों के लिए झंडे वगैरह लेने के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। जी हम फिर से वापस आ गए हैं क्योंकि मेरी इस गलती की वजह से हमें वापस आना ही पड़ रहा था। हम इसलिए वापस आए हैं कि हम खैर से अपने घर अपना पर्स भूल गए हैं, और पर्स ले रहे बगैर पैसों को तो आपको पता कोई काम हो नहीं सकता इस दुनिया में। चलें जी पर्स उठाएं। रान पर्स कहाँ है मेरा यार? पर्स ढूंढे जी, ये रहा जी खैर से मेरा पर्स, और उसके बगैर तो हमारा गुजारा था नहीं। लाइट बंद करो। चल भैया जान, पर्स मिल गया, दरवाज़ा बंद कर। खैर से जी हमें टाइम से याद आ गया था पर्स। मैं गली घर से बाहर ही निकला हूँ, सड़क तक पहुँचे ही थे कि मुझे अपना पर्स भूल गया था। पर्स ले लिया हमने और दोबारा हम चल पड़े हैं। बिल्कुल तुम्हारे पास वहाँ पर्स ना था तो आधार फिर हम क्या करते, मेहनत अलग करते भाई। अल्लाह के नाम पर दे दो यार, गरीब बंदे हैं, हमें कुछ तो दे दो यार अल्लाह के नाम पर। खैर जी अब हमने पर्स ले लिया है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि कहीं वहाँ जाके मुझे याद नहीं आया, हमें याद नहीं आया कि हमारे पास पर्स नहीं है। लेकिन हमें रास्ते में ही जल्दी से याद आ गया और हमने पर्स ले लिया है। अब हम जा रहे हैं अपनी मंदिर की जाने, दोबारा से पढ़ रहे हैं। ये देखिए जी फ्लैग्स वगैरह तो हमारे पास भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमने जाना है मोबाइल मार्केट, वहाँ पर मोबाइलों के कवर चेंज करने हैं। फ्लैग्स वगैरह और बैजेस वगैरह तो हमें यहाँ से भी मिल सकते हैं, यहाँ पर भी हर किस्म की मतलब के 14 अगस्त के हिसाब से सीरीज मौजूद है। बच्चों के कपड़े वगैरह सब कुछ स्टॉल देखें लगे हुए हैं 14 अगस्त के। लेकिन हमने जाना है मोबाइल मार्केट, तो वहाँ शहीन मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या सामान है, और वहाँ से कुछ परचेजिंग करेंगे फिर जाएंगे मोबाइल मार्केट। ये खैर से जी PTI की हुकूमत में इस पुल की रेनोवेशन दोबारा से बनाई गई है। ये जो पुल था अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ है, आज तक कभी किसी का भी यहाँ पर ध्यान नहीं गया। लोगों के लिए बैठने के लिए यहाँ बेंचेस वगैरह लगाए गए हैं, और काफ़ी मतलब कि यहाँ पर साफ़ सुथराई और अच्छा पुल को दोबारा से रेनोवेट किया गया है। ये सारा काम PTI की हुकूमत में हुआ है। ये देखिए खूबसूरत जालियाँ लगी हुई हैं दोबारा से, और लोग शाम को यहाँ पर आते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, इसके नीचे है जी ट्रेन की पटरी, लोग यहाँ पर आते हैं, बेंचेस पे बैठते हैं, टाइम अपना स्पेंड करते हैं जब वेदर अच्छा होता। तो ये इंतहाई अच्छा काम जो है PTI की हुकूमत में किया गया था। भाई दो गिलास दो शरबत के, एक गिलास फीका ठंडा बिल्कुल नहीं, एक गिलास मीठा हो उसमें बर्फ बिल्कुल कम डालिएगा। दो गिलास 50 वाले दे दो। क्या कह रहे हो? ये जी हमारे शरबत तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। अब ये शरबत हमारा आ गया जी, मज़ा आया शरबत जी, हमने ऑर्डर किए थे और हमारे गिलास आ गए हैं। अजान तो शरबत बना फिनिश कर गया, मेरा शरबत रह गया, और मैं आपको कहना चाहूँगा मजेदार। ये आपने सुनना शुरू कर दिया होगा, यहाँ पर फ्लैग ही फ्लैग मिल रही है हमें, और ये आगे जी पूरी मार्केट, यहाँ पर हमें फ्लैग भी मिलेंगे और दूसरी अशियाज भी मिलेंगी, मतलब कि बच्चों के लिए झंडे वगैरह और झंडियाँ घर पे लगाने के लिए, बैजेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल है, और ये मुल्तान की बहुत बड़ी मार्केट है।
ये भाई कितने का? इसमें कितनी झंडी है? 1200 होगी। इन वाली कितने की है? ये डॉल कितने की है भाई? हमें एक आधी चाहिए होगी, एक आधी चाहिए होगी, हमें एक आधी चाहिए होगी। और पैकेट कितने का ये? 2, 4, 6 ये पैकेट जी 350 रुपये का, एक हमें 50 रुपये की मिल रही है भाई। इसमें से एक ये ग्रीन वाली डॉल देना। ये जी खूबसूरत सी डॉल हमने ले ली है मिंसा के लिए, और ये डॉल हमने ले ली है जी। ये डॉल है जी बच्चों की, ये गुड़िया है जी, सर पे लगाने के वाला बैंड है अपना। ये बाजा कितने का है? 80 रुपये। ऐसी चीज़ें मुझे मना ही करूँगा कि ऐसी चीज़ें कभी भी ना लें, और ना ही दूसरों को परेशान करें ऐसी चीज़ें लेके, ना खुद परेशान है। भाई सिंपल फ्लैग नहीं है वो, सिर्फ सिंपल फ्लैग होते थे। ये दिखाओ जरा मुझे, ये दिखाएं, ये फ्लैग कितने का है खाली? मतलब ये 100 रुपये के ले जी। हमारी शॉपिंग कम्प्लीट हो गई है, हमने 3000 जी फ्लैग्स लिए हैं और 1000 डॉल लिया है जो हमें मिली है 100 रुपीज़ में। ये ले अजान, ये जेब में डाल ले, ये मिंसा को देंगे। गर्स की वजह से देखिए जी कितना क्राउड है और कितना रश है मार्केट में, हर लोग यहाँ पर बच्चों को लेकर आए हैं और खुद आए हैं शॉपिंग के लिए। ये एक होल सेल मार्केट है पूरी यार। ये ड्रेस दिखाएं कितने का ये ड्रेस? ये वाला, वो वाला बच्ची लड़की वाला। ये कितने साल की बच्ची को आ जाएगा? 2-2.5 साल की, तो भी तो छोटा ही है। 4 साल की ये है कितने का भाई? 5.5। मैंने सोचा मिंसा के लिए एक अदर ड्रेस लेने 14 अगस्त का, मिंसा पहन के घूमेगी। है भाई इससे बड़ा नहीं पड़ा अब। चल अजान आके चलते आके देखते हैं सूट मिंसा के लिए, वो सूट का जो साइज़ है वो नहीं है मिंसा के लिए जी। हमने ये ड्रेस पसंद की है उसके 14 अगस्त के लिए। भाई ये 400 का दे दे यार, तेरी मेहरबानी के दे। ये लो 400 दे दो। 400 का दे दो, 450 का दे दो। ये लो 480 मानो दे लो। 400 नहीं, बस दे दो 450 का दे दो, बस शॉपर में डाल दो। ये हमारा शूट जी मिंसा के लिए सिलेक्ट हो गया और मिंसा की 14 अगस्त का सूट आ गया। ये हमने लिया है भाई से 500 का, भाई ने थोड़ी सी भी रियायत नहीं की हमें। आपको सारी रियायत की, कहाँ रियायत किया यार आपने, यार सारी रियायत की है। 600 रुपये। अच्छा यार मैंने तो आगे जाके बेचना है, अगर होल सेल में ले जाऊँ तो फिर कितने को दोगे? 520। फिर 520 का दोगे? चले जी मिंसा की और बच्चों की कुछ थोड़ी बहुत जो शॉपिंग की है वो हमारी होगी थी कम्प्लीट। वहाँ क्राउड रश बहुत ज़्यादा पड़ गया था, वहाँ से हम निकल आए हैं। अब हम जा रहे हैं जी मोबाइल मार्केट, वहाँ से मोबाइलों के कवर देंगे और उसके बाद फिर हम जाएंगे हर गरीब लोगों की गरीबों वाली छोटी छोटी खुशियाँ। 14 अगस्त की इस तरह के ना वो भी लेते हैं बच्चों के लिए, बलून्स भी लेते हैं। हाँ फिर आज मूड है फिर गोलगप्पे का कम्पटिशन हो जाए, रैंबो के गोलगप्पे खाने बता। क्या कह रहा है? गला खराब है, गला खराब है ना, क्या हो गया खा ले थोड़ा सा, गला और ठीक हो जाएगा। ले जी मोबाइल मार्केट आ गई है, अब हम यहाँ चलते हैं अपने मोबाइलों के प्रोटेक्टर और अपने मोबाइलों के कवर्स परचेज करते हैं। शुक्र है जी हमने बाइक बाहर ही खड़ी कर दी, यहाँ पर आप क्राउड देख सकते हैं कितना रश है और बाइक लाने की जगह भी नहीं थी। ये शुक्र है कि हमने बाइक बाहर ही खड़ी कर दी। यार वाजिद ऐसी बुरी बुरी बातें ना कर भाई, दिखाना जरा। ये ले नीचे से नहीं टूटा हुआ ये भाई, नहीं नहीं ऊपर अल्लाह खैर करेगा ऊपर से टूटा हुआ है। ये सारे मेरे बच्चों के काम है भाई।
क्या क्या कहता इसका यार, एक तो इसका ऑपरेटर लगा दो और इसका ये पाउच दे दो, ये धीरम दे दो, जाली भी चेंज कर दो। हमारे आज हमारी लॉटरी लगी थी, हमारे मोबाइल से 35 धीरम निकल गए। अजान तेरे मोबाइल का क्या? ट्रैक्टर जाली सिक्स प्रो का पाउच ही नहीं है, ऊपर से ले लेता है। मेरे मोबाइल का पाउच भाई नहीं मिला नीचे से, अब हम जा रहे हैं ऊपर, वहाँ जाके मेरे मोबाइल का पाउच देखते हैं। फाइनली जी हमारे मोबाइलों के कवर लग चुके हैं और अब हम मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर गाइड कीजिएगा आपको हमारा वीलॉग आज का कैसा लगा।